ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚਲ ਜਾ ਜਾ ਚਲ ਜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ मैं कहा मेरी माजना की वोट 1200 सी नंगली वाले महाराज का नाम दिले वोट इन सी ब्यास वाले दी लोगों का कम भी कराए थे मैं आलमोस्ट लेकिन अज जो रिजल्ट निकलिया तो मैंने कहते 3000 वोटा ने 15 वोटा हूँ कहते 15 तुम वोटा निकलिया ने जिस तरीके दस दौ की होया फिर 15 वोटा को निकली क्योंकि जो तुम घोड़ी से बिठा के लेकिन इलेक्शन लड़न का कोई मेरे कोई शौक नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ने कोई लालच है मैं कि कोई गां इदा कोई वड्डा कोई अफसर बन जाए कोई नो प्रॉब्लम हर वार्ड का बंदा चाहता कि साढ़े वार्ड चो भी तुम मतलब उतो होकर जाओ अभी तुम्हें मिलना तो रैली कितने निकल रही है कि जो वीडियो लाइव होंगी लोग वेखन आते सन मैनू लोग वैसे भी जो 2019 मेरे MP के इलेक्शन से उदो भी लोग मेरे को आते सन इस करके मेरी पॉपुलैरिटी ही 2019 MP के इलेक्शन उत्ते लोग कहते बंदा वधिया नहीं है जरा काम किया है बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं है मैं इन्हें अगर रिक्वेस्ट करना है कि जी इस पार्ट की 32 नंबर वार्ड की रीपोलिंग कराई जाए दोबारा रीपोलिंग कराई सारी दुनिया मेरे ना लग गई कि असी विनय माए ही वोट पानी हो पानी नहीं है आलमोस्ट दुनिया मैं सारी जानती है कहते नहीं मैं उस दिन दफ्तर जो मैं कल स्लिप लैन गया तो उत्थे भी गल्लां बात होने कहते तुहाडी सीट डन तुसीं जित्ते पे हो दुनिया तुहाडे नाल वा तुहाडियां रैलियां वेखियां ने कुछ दिन पहला असी अपने दर्शकों नूं मिलाया सी बटाला दे रहण वाले विनय महाजन नाल जिहड़े कि वार्ड नंबर 32 दे विचों आजाद उम्मीदवार वजों चोण लड़ रहे सन इन्हां दा चोण निशान ते केक सी पर उस समय जदों प्रचार चलदा सी ते लोग इन्हां नाल हासियां खेडियां करदे सन इन्हां नूं घोड़ी ते बिठा के प्रचार करदे सी इन्हां तों नकली नोट सुट्टदे सी इत्थों तक कि इन्हां दा जो चोण निशान केक सी इन्हां दे मूँह नूं मल के ते चोण प्रचार करदे सी हुण जदों नतीजे आ चुके ने तो गल कर लें विनय महाजन ना कि किनियां वोटां इन्हां नूं पईआं ते कौन विजेता रहा क्योंकि इन्हां दी वार्ड दे विच कुल 7 कैंडीडेट रहे सन 7 कैंडीडेटां चों कांग्रेस दा कैंडीडेट उत्थे विजयी होया है महाजन साहब पहला तो यह दसो कि जिस तरीके दे नाल तुहाडियां चोण रैलियां दे विच चोण प्रचार दे विच लोग आउंदे सी कि उस हिसाब नाल ही वोटां पईआं ने मैं सारे सत श्रीकाल सारे जय माता दी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह मैं विनय माए 32 नंबर वार्ड तहसील बटाला जिला गुरदासपुर तो बिलोंग करदा केक दे निशान ते मैं खड़ा ही लोगों के कन्विंस ते प्रेशराइज करन दे उत्ते जो मैं इलैक्शन ते इलैक्शन भड़े तो लोग उस ऑटोमैटिकली मेरे उस वेले लग गया कि बंदा वधिया सानू बटाले नू मिल गया कि ये गांह आएगा तो सानू मेरा फायदा होएगा लेकिन इलैक्शन लड़न का कोई मेरे कोई शौक नहीं है कि मैं इलैक्शन लड़ने कोई लालच है मैनू कि कोई गां इदा कोई वड्डा कोई अफसर बन जाए कोई नो प्रॉब्लम कहने का मतलब कि लोगों की प्रेशराइज से कन्विंस करने उत्ते भरन तो बाद मैनू सारी दुनिया मेरे ना लग गई कि असी विनय माए ही वोट पानी हो पानी नहीं है आलमोस्ट दुनिया मैं सारी जानती है लेकिन अज तो जिदन इलेक्शन का दिन से जो मैं उत्थे चक्कर मारिया तो बूथ कई बंदे एक एक बंदा कई बार मैं लगता है जजमेंट से कि मैं एक चक्कर मारा तो बस खिसकने शुरू हो गए कोई 5-6 बार वोट लगता है पा चुके है वा लेकिन 69, 71, 72 चार बूथ बने रहे सन जिन्हें मैं कोई अपना बूथ नहीं बनाया कोई कुछ नहीं बनाया मैं कहा वोटर ने वोट जिन्होंने पानी उन्हें पा ही देनी हैगी है क्योंकि वोटर ने किसी के कन्विंस करने उत्ते वोट नहीं पानी जिन्ना मर्जी कोई कन्विंस करे कोई रेयर बंदा है जो किसी कहने उत्ते वोट पाऊगा वोटर ने जिन्ना मर्जी प्रेशराइज कन्विंस करो वोट ने जिते वोट पानी उत्ते पा देनी लेकिन अज रिजल्ट डिकलेयर होने तो बाद मैं पता लगा अच्छे 2 दिन पहला भी लोग कहते कि बूथ कैप्चर होए ने मैं कहा इदा नहीं हो सकता है कहते नहीं मैं उस दिन दफ्तर जो मैं कल स्लिप लैन गया तो उत्थे भी गल्लां बात होने कहते तुहाडी सीट डन तुसीं जित्ते पे हो दुनिया तुहाडे नाल वा तुहाडियां रैलियां वेखियां ने दुनिया तुहानूं लाइक करदी हैगी है तुहाडा प्यार करदी है कि कदे हो नहीं सकदा वोट इधर दी इधर हो जाए मैं कहा मेरी माजना दी वोट 1200 सी नंगली वाले महाराज का नाम दिले वोट इन्नी सी ब्यास वाले दी लोगों का कम भी कराए थे मैं आलमोस्ट लेकिन अज जो रिजल्ट निकलिया तो मैंने कहते 3000 वोटा ने 15 वोटा हूँ कहते हैं मैं कहा इम्पोसीबल डैट विच कैन नॉट बी पोसीबल मेरी सीट डन सी तो मेरी FDN साहब अगे लगता 15 तुम वोटा निकलिया ने जिस तरीके दस दौ की होया फिर 15 वोटा को निकली क्योंकि जो तुम घोड़ी से बिठा के लैके गए सन तुम केक कटिया गया उदो तो दुनिया बहुत सी हाँ दुनिया बहुत सी कोई कई वार्डा चो लोग आ गए दे सन हर वार्ड का बंदा चाहता कि साढ़े वार्ड चो भी तुम मतलब उतो होकर जाओ अभी तुम्हें मिलना तो रैली कितने निकल रही है जो वीडियो लाइव होंगी लोग वेखन आते सन मैनू लोग वैसे भी जो 2019 मेरे MP के इलेक्शन से उदो भी लोग मेरे को आते सन
ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨੋਕਰੀ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ 32 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਭਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕੋ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੁਣ ਫੰਡ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਗਨ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਪਰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਇਹ ਨੇ ਵਿਨੇ ਬਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 15 ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 32 ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਵਿਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਨੇ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਆਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੋਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।